लेकिन अडानी का मुंबई एयरपोर्ट को सीक्रेटली खरीदने का जो सपना था वो जीवीके ने तोड़ दिया। ये जो टाइम था, यहां से जीवीके का बुरा टाइम चालू हो जाता है। वो पहले ही फाइनेंशियल लॉस में चल रहा था, इसके साथ साथ उसने अडानी ग्रुप से भी पंगा ले लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही जीवीके के ऑफिसेस को रेड किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस पे एक सेपरेट केस फाइल कर दिया। मिंट ने 2020 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें उसने कहा कि कैसा कोइंसिडेंस है कि जैसे ही जीवीके ने अडानी की डील को फेल किया, वैसे ही उसके ऊपर सीबीआई और ईडी बैठ गई। अचानक से एक न्यूज आती है कि जीवीके अडानी से डील करने को मान गया है और अब जीवीके मुंबई एयरपोर्ट को जो शेयर्स हैं वो अडानी को दे देगा।